दर्शक मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से जय गिरनारी। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूं गिरनार की सुप्रसिद्ध जगह पत्थरचट्टी। मुझे हर दिन विचार आता है कि गिरनार में क्या नहीं है। भक्ति, शक्ति, सौंदर्य, वन्य संपदा, खनिज संपत्ति, सेवा, परमार्थ, चमत्कार, अघोरी, जैन तीर्थंकर जी, साधु संत, खाकी, भजन, घंट, आरती, साधना, सांत्वना, आशा, आवकार, सब कुछ है। इसलिए हम लोग यह बड़ा अलौकिक पर्वत के ऋणी है। गिरनार ने क्या क्या देखा है, गिरनार ने क्या क्या दिया है, यह बात हम बहुत कम सोचते हैं। लेकिन गिरनार है तो हमारे पास सब कुछ है। गिरनार के पास से कुछ सीखना जरूरी है, आश्वासन लेना जरूरी है कि अरे भैया, तू पैसा या शक्ति के जोर में ज्यादा उड़ मत। मैंने बहुत सारे साम्राज्यों को पल भर में पलटते देखा है। तू इसमें क्या औकात वाला है, तू ही एक दिन पत्ते की तरह उड़ जाएगा। तू सही तरीके से अच्छी बातों की नोंद कर समाज को दिखा तो जरूर इतिहास तेरी नोंद लेगा, वरना तू पत्ता की तरह एक दिन गिर जाने वाला है। लेकिन बड़े लोग मुकेश अंबानी और टाटा बिरला की धन संपत्ति के बारे में सोचते हैं कि मैं वहां कब पहुंचूंगा। आज मैं गिरनार में आई हुई पत्थरचट्टी की जगह का परिचय करवाने जा रहा हूं। इस जगह से बड़ा अलौकिक प्राकृतिक दृश्य दिखता है कि किसी भी आदमी का दिल हरा भरा हो जाता है और बोल उठता है कि वाह, क्या कुदरत का करिश्मा है। हम तो झूठे अहम वहम में ही फिरते चलते हैं। पत्थरचट्टी से जब आप बारिश के मौसम में देखो तब हसनापुर डैम भरा होता, तब की नजरिया कहीं और स्वर्ग के नजदीक की ही होगी। आपको पल भर लगेगा यार, हमारे घर पर ही कश्मीर, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, पंचगिनी है और हम घूम रहे हैं इधर उधर। पत्थरचट्टी की जगह रामानुज संप्रदाय की है। इस जगह का नाम पत्थरचट्टी पड़ने का कारण है, यहां जो महात्मा रहता था वह पत्थर को चाट कर ही रहता था। दूसरा अर्थ यह होता है कि यहां के महात्मा बड़ी दुविधा झेल कर यहां रहते थे और पत्थरों के बीच जगह बनाई थी। इस जगह का स्थापक है पूज्य नरहरि स्वामी। इस जगह की स्थापना सन 1800 के आसपास ही हुई है। इस जगह की स्थापना करने वाले पूज्य नरहर स्वामी की बहुत बड़ी लंबी आयु थी और उनका 10 जुलाई 1886 के दिन गिरनार में भूकंप आया और पत्थरों में दबकर ही उसकी सांस चली गई थी। मंदिर के सामने एक ओटा पर 100 साल पुरानी छतरी में जगह के स्थापक महंत श्री नरहर स्वामी की पादुका और अन्य महंतों की पादुका का पूजन होता है और लोग वहां अपना शीर टेकते हैं। इस जगह का पुनरोद्धार ओखा मंडल के वरवाड़ा गांव के भाटिया सेठ ठाकर सिंह मूलजी के पुत्र गोविंद जी ने किया था। आज हम जो मंदिर का दर्शन करते हैं वह जगह 1890 के आसपास बनाई गई है। यह जगह के प्रांगण में दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय के मंदिरों में होता है ऐसा एक स्तंभ खड़ा है जो मैंने आपको यह वीडियो में दिखाया है। धर्म में जानकारी रखने वाला कोई भी आदमी यह स्तंभ देखकर ही जान लेता है कि यह मंदिर दक्षिण निवासी संत ने रामानुज संप्रदाय का मंदिर बनाया होगा। यह स्तंभ 9 या 10 फीट ऊंचा है। स्तंभ पर कृष्ण भगवान, गाय, गोपी, हनुमान जी और गरुड़ जी की आकृति अंकित की गई ही है। मंदिर के द्वार
की दोनों ओर रेतिया पत्थर की करंड मुकुट वाली और हाथ में गदा वाली जय और विजय की मूर्तियां खड़ी की गई है। अलौकिक मंदिर में तिरुपति बालाजी की मूर्ति विराजमान है। उसका दर्शन मात्र से हृदय को ठंडक मिलती है। यह पत्थर चटी की जगह में श्री नरहर स्वामी, श्री गोविंद दास जी स्वामी, श्री खगेंद्र स्वामी, श्री जगन्नाथ स्वामी, श्री दासरथी स्वामी और आजकल यह जगह पांच भाइयों की मजमू है और श्री हरि स्वामी जगह का संचालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो, लक्ष्मी का बड़ा वास हो, उसको यह जगह में एक बार दर्शन करने जाने के बाद कुछ सोचने का मैं अनुरोध कर रहा हूं। हमारी धरोहर, संस्कृति, इतिहास, धनपति लोग ही बचा पाएंगे। हमारे जैसे लेखक लोग तो बेचारा अपनी कलम से दो चार आंसू टपका कर रह जाएगा। आप सोचे यह जगह की 100 साल पहले जैसी जाहो जलाली और चमक दमक रही थी, ऐसी फिर लाना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं। आप सोचे, आप अपने अंतरात्मा को आवाज दीजिए और ये पत्थर चटी की अलौकिक, बेनमून, नयन रम्य इस जगह का फिर हमें पुनरोद्धार अच्छी तरह करना चाहिए। वरना हम इतिहास और संस्कृति की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ये सब सिर्फ फिल्म और नाटक में आने वाली बातों जैसी बातों सबको लगेगी। तो मैं आपको गिरनार पर की ऐसी एक पवित्र और बेनमून जगह का परिचय करवाकर मेरी आत्मा को संतोष दे रहा हूं। मुझे इतना आज गर्व है कि मैंने इस गिरनार पर एक बड़ी किताब लिखी और बहुत कुछ जाना, देखा, सोचा और मैं जो समझ पाया था उसकी बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आज ऐसे आपको अनुरोध कर रहा हूं कि आप कभी गिरनार पर जाइए और तिरुपति बालाजी की पत्थर चट्टी की वो जगह है उसका एक बार दर्शन कीजिए और अनुभूति कीजिए। और बारिश की मौसम में आप इस जगह पर जाओगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि यहाँ ही कश्मीर और दुनिया का स्वर्ग आपको देखने को मिलता है। इतनी अवर्णी, बेनमून यह जगह की बात मैंने आपके सामने रखी है।